एवरीवन नमस्कार, मैं हूँ निधि। आप सबका वेलकम करती हूँ निधि किचन लाइफस्टाइल चैनल पे। दोस्तों उम्मीद करती हूँ आप और आपके परिवार वाले सारे सुरक्षित होंगे। आज इस वीडियो में जो मैं आपके साथ रेमेडी शेयर कर रही हूँ ना, ये आपके बालों को लंबा बनाएगा, घना बनाएगा और साथ ही साथ आपके सफ़ेद हुए बालों को काला बनाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर बहुत ज़्यादा सफ़ेद बाल है तो इस रेमेडी को आपको रेगुलरली लगाना है। और मैं आपको एक बात और बता देती हूँ कि इससे कोई भी नुकसान नहीं पहुँचने वाला है आपके बालों को। आपके बालों पे सिल्की एंड शाइनीनेस आएगा, साथ ही साथ आपके बालों में बहुत अच्छा सा वॉल्यूम भी आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये रेमेडी। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। पास ही दिखेगा एक छोटा सा बेल बटन, उसे दबाना न भूलिएगा ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक आते रहेगी। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो बहुत कम इंग्रेडिएंट के साथ आज की रेमेडी बना के हम रेडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको लेना है इंडियन गूजबेरी पाउडर, यानी कि ड्राई आंवला पाउडर। दोस्तों ये ईजिली आपको मिल जाएगा मार्केट में। आप चाहें तो आप घर पे भी साबुत आंवला से आप ग्राइंड करके उसे पाउडर बना सकते हैं। बहुत अच्छा काम करता है हमारे सफ़ेद हुए बालों पे। इनफैक्ट अगर डेली डाइट में आप आंवला अगर शामिल करते हैं ना, तो आपकी हेल्थ पे भी ये बहुत अच्छा असर करेगा, साथ ही साथ ग्लोइंग स्किन लेके आएगा और आपके बालों पे भी बहुत अच्छा काम करने वाला है। बालों को मजबूत बनाता है जड़ से। तो मैं यहाँ पे 1 से 1.5 चम्मच ले लूँगी आंवला पाउडर और नेक्स्ट मैं यहाँ पे 1 चम्मच इतना डालने वाली हूँ नील पत्ती पाउडर, यानी कि इंडिगो पाउडर। दोस्तों ये जो रेमेडी है ना, इससे आप आधे घंटे में अपने सफ़ेद हुए बालों को काला बना सकते हैं। तो यहाँ पे जो थर्ड इंग्रेडिएंट मैं ऐड करने वाली हूँ, एक खास बात है मैं आपको बता दूं कि जो भी इंग्रेडिएंट मैं ऐड कर रही हूँ ना, ये 100% केमिकल फ्री है। इसमें कोई भी केमिकल नहीं है, तो कोई भी नुकसान नहीं आपको पहुँचाने वाला है। तो मैं यहाँ पे ले लूँगी 1/2 चम्मच इतना काला कत्था पाउडर। काला कत्था है ना, ये नेचुरली आपके बालों को काला बनाएगा, तो इसे ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। और ये ईजिली मिल जाता है मार्केट में, तो इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। अब यहाँ पर आप चाहें तो आप फ्रेश एलोवेरा ले सकते हैं, या तो आप चाहे तो आप पतंजलि का या किसी भी ब्रांड का एलोवेरा जेल आप ले सकते हैं मार्केट वाली, और उनसे इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है और एक स्मूथ पेस्ट बना के रेडी करना है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस पेस्ट को आपको 5 मिनट्स के लिए यूं ही छोड़ देना है। 5 मिनट्स के बाद अपने बालों पे अच्छी तरह से अप्लाई करना है, लेकिन बालों पे पहले से कोई भी तेल नहीं होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं पहले से तेल नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये अच्छी तरह से आपके बालों पे कलर नहीं लेके आएगा। बस इस तरह से आपको एलोवेरा जेल ऐड कर देना है। तो यहाँ पे केवल 1 चम्मच नहीं लगेगा, यहाँ पे 1.5 से 2 चम्मच आपको एलोवेरा जेल यहाँ पे लगेगा और इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। एक स्मूथ सा पेस्ट रेडी हो जाएगा, तो बिल्कुल इस तरह से इसे मिक्स करते रहना है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो रेमेडी है ना, ये मैं खुद अप्लाई की हूँ और मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। आप लोग बोलते हैं मेरे सफ़ेद बाल नहीं है, नहीं तो आप मेरे पुराने वीडियोज जाके देखिए, बहुत सफ़ेद बाल है। बस ये नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है, मेरे सारे सफ़ेद बाल ब्लैक में चेंज हो गए हैं। तो ये देखिए, ये बिल्कुल इस तरह से मिक्स हो जाएगा और ये ब्लैक कलर इस तरह से आ जाएगा। आपको अप्लाई करना है अपने बालों पे, आधे घंटे रहने देना है, फिर नॉर्मल पानी से वॉश कर लेना है। दोस्तों उस दिन शैम्पू मत कीजिएगा, नेक्स्ट डे आप शैम्पू कीजिएगा। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू, हैव